पालघर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नाला सोपारापुर के मनवेल पाड़ा क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने का जीता जागता प्रमाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आज अगर देश का संपूर्ण विकास कोई कर सकता है तो वह सिर्फ भाजपा है। आज उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी किसी को टैक्स नहीं देता और कोई गुंडा किसी को परेशान नहीं करता। यदि कोई इसका दुस्साहस करता है तो उसकी जगह उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकती। इस दौरान उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी के पीठ पर छुरा नहीं मारा। आज यहाँ शिवाजी महाराज को लोग कैद कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए, जो कभी किया नहीं जा सकता। इसके पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि यहाँ की स्थानीय सत्ता पिछले 10 वर्षों से सत्ता संभाले हुए है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ क्षेत्र को लूटने का कार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए कार्यों के लिए स्थानीय महापौर का फोटो लगाकर खुद ही उपलब्धियाँ बताई जा रही हैं। मेरी लोगों से विनती है कि ठाकुर परिवार को उखाड़ फेंको। इस दौरान 3 बार से लगातार विधायक रहे सुशील सिंह ने कहा कि शेर का कोई इलाका नहीं होता, आने वाले इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा नाम नहीं हो सकता। इस मौके पर वहाँ उनको देखने तथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी रही। माननीय मंत्री जी के साथ अन्य अतिथि रीता बहुगुणा जोशी, पूनम महाजन तथा जेपी सिंह भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का समापन मंत्री योगी जी के संबोधन के द्वारा किया गया तथा इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ता अनुराग पांडे, सर्वेश त्रिपाठी तथा अजीत सोलंकी रहे। यूरिया है, कुछ नौसादर है। पर करिए और लोकतंत्र के महापर्व में एक वर्ष का से भी कम का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में हम एक बार साबित करें कि मोदी जी के नेतृत्व के अलावा देश किसी को स्वीकार नहीं कर सकता है। और यह साबित करने का एक अवसर हम सबके पास है, महाराष्ट्र के पास है, इस देश के पास है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि सही मायने में आपने देखा होगा तमाम लोगों को